नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है और इसे ही अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। आंवला नवमी का महत्व इस बात से भी समझा जाता है कि इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान भी किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है और आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये व्रत पति पत्नी अगर साथ में रखते हैं तो उन्हें इसका दोगुना फल मिलता है। आइए अब हम सुनते हैं आंवला नवमी और शंकराचार्य जी की ये पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत ही ज्यादा गरीब और दयनीय स्थिति में थी। जैसे ही उसने शंकराचार्य जी की आवाज सुनी तो वे बूढ़ी औरत बाहर आ गई। अब उसके हाथ में सिर्फ एक सूखा आंवला था। तब वे बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। शंकराचार्य जी को उसकी इस दयनीय स्थिति पर बहुत ही दया आई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले और ये श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। उनके इन स्तोत्रों को सुनकर माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने दिव्य दर्शन दिए। साथ ही महालक्ष्मी ने कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। ये अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बहुत ही बुरे मन से उस वस्तु को दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी ये हालत हुई है। ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने देखिए कितनी पूर्ण श्रद्धा से मुझे ये सूखा आंवला ही भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने ये मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। आइए अब सुनते हैं हम इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी माँ लक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है, एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। जैसे ही मैं रास्ते में जा रही थी तो उनके मन में इच्छा हुई कि वे भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की पूजा एक साथ करें। तभी उनके मन में विचार आया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा मैं कैसे कर सकती हूँ। तब उन्होंने सोचा कि तुलसी विष्णु भगवान को पसंद है और बेल वृक्ष भोलेनाथ जी को, और इन दोनों के गुण ही आंवले में पाए जाते हैं। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव जी का प्रतीक मानकर लक्ष्मी माँ ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और भोलेनाथ प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाकर विष्णु और भगवान भोलेनाथ जी को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी और इसी दिन से ये परंपरा चलती आ रही है। आइए इसी से जुड़ी हुई हम सुन लेते हैं एक और अन्य कथा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक सेठ रहता था।
वे हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। साथ ही इसके साथ सोना चांदी आदि अनेक वस्तुओं की भेंट भी देता था। लेकिन ये सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वे अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। उसके साथ ही उस दुकान के आगे उसने एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान भी देना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार एकदम से ही ठप पड़ गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और साथ ही आज के दिन दान देने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के साथ उनके घर में भी पूर्ण रूप से खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ उसके बाद वे रहने लगे। तो आज हमने सुनी अक्षय नवमी की, आंवला नवमी की तीन कथाएं। तो जिसने भी ये कथा सुनी है और जिसने भी इन कथाओं को कहा है, माँ लक्ष्मी उनके घर में सदा सदा के लिए निवास करें और उनके सभी कष्टों को समाप्त करें। इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माँ लक्ष्मी।